इनको एक बार सुनाते हैं बाइक की आवाज। बहुत लोग ना आपको बेवकूफ बनाते हैं कि हम कोटिंग करते हैं तो कोटिंग में स्क्रैच नहीं आएंगे। अच्छी है, और हम ऐसे करने के वाले हैं। कौन सी कोटिंग करने वाले हैं? ग्लास कोटिंग। मैच चल रहा है किसका? श्रीलंका न्यूजीलैंड का। की कर रहा? No, nothing. किसका मैच देख रहा? न्यूजीलैंड। तैयार? पूरा तैयार हो गया। मम्मी की कर रहे? पढ़ाई? चश्मा डाल के पढ़ाई कर रहे हो? सत श्री अकाल जी सारेयां नूं। आई होप आप सब जहां भी हो खुश हो एंड हेल्दी हो। जैसे कि आपको पता, आपका भाई जम्मू आया हुआ है। तस्लीम और मैं हो गए हैं पूरे रेडी, बिकॉज हम जा रहे हैं जिम। लेकिन जिम जाने से पहले आज हम जम्मू में एक छोटा सा काम करवा रहे हैं, और वो काम किसके रिलेटेड है? वो काम है अपने प्यारे ब्लू हायाबुसा के रिलेटेड। मैंने दिल्ली में उसकी कोटिंग नहीं करवाई थी। जम्मू में मुझे कल्चर फिट जिम में भैया मिले थे, मेरे नोनी है वो, उन्होंने जम्मू में डिटेलिंग माफिया खोला। वहां पर वो बाइक की सुपर सेक्सी कोटिंग कर देंगे अपनी बाइक की। उनके पास वहां पर डिटेलिंग के लिए गाड़ियां जाती हैं, बाइक्स जाती हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं अपनी बाइक की डिटेलिंग उनके वहां से करा लूं, बिकॉज़ जो ट्रीटमेंट उनके पास आया हूं बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। तो मैंने भी कहा व्हाई नॉट। तो अभी मैं और तस्लीम निकल रहे हैं घर से। मैं जाऊंगा बाइक पे, तस्लीम जाएगा गाड़ी पे। मैं अपनी बाइक लगाऊंगा डिटेलिंग माफिया पर, आपको जाके वहां का सारा माहौल भी दिखाता हूं। वहां से मैं और तस्लीम गाड़ी में चले जाएंगे जिम, बाइक छोड़ेंगे हम डिटेलिंग माफिया पे। एंड जब उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, जिम से निकलेंगे, थोड़ा सा टाइम वहां पे लगाएंगे और बाइक लेके वापस घर आ जाएंगे, बिकॉज कल हमें मॉर्निंग में निकलना है वापस गुड़गांव के लिए। जम्मू का ट्रिप खत्म होता है यहीं पे। आज हमारा लास्ट डे जम्मू में। हम निकलेंगे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गुड़गांव के लिए वापसी। रास्ते में स्टे करेंगे एक दो जगह पे एंड सीधा जाएंगे गुड़गांव और वापस अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। तो मैं फटाफट से लगाता हूँ हेलमेट, आता हूँ बाइक पे और फिर आपसे बात करता हूँ। A few moments later. ये आ गया अपना हेलमेट एंड GoPro, और ये रहा मैक्स जो दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे हैं। खुद खोल लेकर भाई। एंड यहाँ से हम गए सीधा, और ये खड़ा है तुम्हारे भाई का हायाबुसा। फटाफट से निकालते हैं इसे बाहर एंड निकलते हैं। तो ये देखो जी, अपनी बाइक आ गई बाहर एंड ये बच्चे इकट्ठे हो गए हैं बाइक देखने के लिए। कैसी लग रही है बाइक? अच्छी लग रही है। रुको आवाज सुना दे तुम्हें। इनको एक बार सुनाते हैं बाइक की आवाज। अच्छी है बाइक की आवाज सुन के बेचारे खुश भी हो गए और डर भी गए। निकलते हैं फटाफट, इसको ले जाते हैं कोटिंग के लिए। तस्लीम को यहाँ के रास्ते नहीं पता, तो रास्ते मैं बताऊंगा, मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करेगा। जब मैंने बाइक परचेज की थी, मैं सोच रहा था कि क्या मैं इस पे कोई कोटिंग करा दूं, सेरेमिक कोटिंग करा दूं या पीपीएफ करा दूं। पीपीएफ के लिए मुझे अर्नी ने मना कर दिया था, बिकॉज पीपीएफ में क्या होता है कि जो हायाबुसा की बॉडी है, जितनी वो राउंडेड है, जिस तरह से इसकी शेप है, तो पीपीएफ में ना एजेस बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। लेकिन अभी जिम में मुझे भैया मिले थे, तो वो कहते कि इस पे हम एक ऐसी कोटिंग कर देंगे जिससे शाइनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब होता क्या कि बहुत लोग ना आपको बेवकूफ बनाते हैं कि हम कोटिंग करते हैं तो कोटिंग में स्क्रैच नहीं आएंगे। तो स्क्रैच आते हैं, लेकिन यस, अगर हेयर लाइन होते हैं तो वो कोटिंग की जब पॉलिश दोबारा से करते हैं तो वो हेयरलाइन स्क्रैच हट जाते हैं, बिकॉज़ वो कोटिंग के ऊपर स्क्रैचेस रहते हैं। मैं कभी वैसे उनके शोरूम में गया नहीं हूँ, जो डिटेलिंग माफिया है वहाँ पे मैं कभी गया नहीं हूँ। तो एक बार देखते हैं वो कैसा बना हुआ है, क्या है। सुना मैंने कि वो काफी अच्छा बना हुआ है और उनके जो ट्रीटमेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो एक बार जाके देखते हैं कि सब चीजें कैसी हैं और कैसी नहीं है, और अपनी बाइक के लिए उन्होंने क्या सोचा हुआ है, कौन सी कोटिंग है, एक बार जाके उनसे पूछते हैं। एक चीज जो कि बहुत ही अच्छी, जिसकी वजह से मैं मान भी गया था बाइक पे कोटिंग कराने के लिए, जब भी मैं दिल्ली एनसीआर में पूछता था तो वो कहते थे कि 2-3 दिन लग जाते हैं कोटिंग के लिए, और बाइक को अच्छे से सुखाने के लिए, जब वो कोटिंग ऊपर होती है उसको सुखाने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो मेरा मन नहीं करता था वो 2-3 दिन बाइक छोड़ने के लिए। इन्होंने मुझे बोला कि वो इंस्टेंट है, इंस्टेंट हीलिंग वाला ट्रीटमेंट है, कोटिंग करेंगे और 2-3 घंटे में मेरी बाइक दोबारा चलने के लिए रेडी हो जाएगी। और कल मॉर्निंग में जैसे कि मुझे निकलना है वापस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वो कोटिंग प्रोसेस करेंगे वो जल्दी ही फिनिश हो जाए, ताकि मैं मॉर्निंग में जल्दी अर्ली मॉर्निंग हम यहां से निकल पाए। वापसी जाते हुए गाड़ी पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है थोड़ा सा डिफरेंट है। आते हुए गाड़ी चला रहा था अभिषेक एंड उसके साथ बैठा था केपी, पीछे थे मैक्स एंड डायना। लेकिन अभी जाते हुए चेंजेस ये है कि गाड़ी चलाएगा तस्लीम, साथ में बैठेगी आरोही, पीछे डायना एंड मैक्स एंड लास्ट में संजू भी। मोम और केपी बाद में आएंगे, वो भी जम्मू में ही रुक रहे हैं। और ये इतनी प्यारी सड़क इन्होंने खोद दी एंड इसकी वजह से देखो कितना जाम लगा हुआ है। जो भी लोग जम्मू में रहने वाले हैं उनको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई जिम ज्वाइन करते हो तो बहुत जरूरी होता है कि उस जिम का एनवायरमेंट बहुत अच्छा हो, एम्बियंस बहुत अच्छा हो, तभी आपको वर्कआउट करने में मजा आता है। अगर मेरी बात करो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है कल्चर फिट जिम जो छन्नी हिम्मत में है, वहां का एम्बियंस बहुत प्यारा है। मैं पिछले 8-9 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ एंड मैंने पुणे दिल्ली कहाँ के जिम में वर्कआउट करा है, बट जो कल्चर फिट जिम बना है वो अपने में ही एक लेवल मेंटेन किया है उन लोगों ने। तो अगर आपको जिम ट्राई करना चाहते हैं तो आप जरूर कल्चर फिट जिम जाके देख सकते हैं, एंड स्पेशली अगर आप छन्नी के आसपास रहते हो फिर तो आपके लिए वही चॉइस
बेस्ट है एंड दिस इज नॉट प्रमोशनल बिकॉज साहिल भाई मेरे दोस्त है, मुझे बहुत जिम से इन्विटेशन आते हैं वर्कआउट करने के, बट मैं वहीं जाता हूँ हमेशा कल्चर फिट में। उसका यही एक रीजन है कि वो जिम ही अपने में बहुत प्यार है। मैंने वेव मॉल क्रॉस कर लिया, तसली मेरे पीछे आ रहा है, वो देखो आपको मिरर में वो दिख रहा होगा। यहाँ से सीधा जाके ही डिटेलिंग माफिया आ जाएगा। उन्होंने मुझे बोला था कि जो जम्मू का पुराना रॉयल एनफील्ड का शोरूम है उसके आसपास ही उन्होंने स्टोर खोला, अपना जो शोरूम बनाया उसके आसपास ही बनाया। अब एक बार सीधी रोड पे चलते रहते हैं और आगे जाके देखते हैं कहाँ पे उनका शोरूम। आज रात को जाना है हमें एक डिनर पे, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जम्मू का ट्रिप अपना रहा बहुत ही अच्छा, मजा आया, आने का सफर भी बहुत अच्छा था, बहुत ही कम्फर्टेबली हो गया एंड आई होप कि जाते हुए वापसी भी बहुत कम्फर्ट रहे। तो हम थोड़ा आगे आगे थे, मैंने आगे से यू लिया, जा रहे हैं वापिस आगे जाके राइट साइड पे डिटेलिंग माफिया, वहां पे हम जाएंगे और वहां जाके कराएंगे अपनी बाइक का काम। अच्छी है काफी पसंद आ रही थी उनको अपनी बाइक, पीछे से एक स्कूल बस भी निकली थी, बच्चे चलाना शुरू हो गए एंड सीरियसली मैं बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूँ। जब हम छोटे होते थे स्कूल बस में जाया करते थे, अगर कोई आसपास से अच्छी बाइक निकल जाती थी तो बहुत मजा आता था। एंड अब बस हमें ढूंढना है डिटेलिंग माफिया कहाँ पे। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा बोर्ड लगा बाहर, मुझे आते हुए पता नहीं क्यों नहीं दिखा, एक बार वापसी में फिर से देख लेते हैं। ये सारी बिल्डिंग्स है, नॉट एबल टू सी एंड देयर इट इज, वो रहा डिटेलिंग माफिया। फटाफट से आगे से मारते हैं यू एंड हियर इट इज, दिस इज डिटेलिंग माफिया। जम्मू वालों बाइक को कुछ कराना है आ जाया करो। अब यहां से बाइक लेते हैं अपनी अंदर। तो ये लो जी हम पहुंच के डिटेलिंग माफिया में, ये खड़े है आपकी बाइक, ये रहे रोहन भैया। क्या हाल भैया? देखो आपके बारे में सबको पूरा बताते आ रहा हूँ, काफी बड़ा शोरूम है आपका, बहुत बड़ा बना हुआ है। ये इनका पूरा वॉशिंग एरिया आ गया, ये पूरा देखो गाड़ियां गुड़ियां खड़ी हैं और यहाँ पे अब अपनी बाइक की चलेगी पूरी पैम्परिंग। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस शुरू करते हैं और मैं फिर आपको 2 मिनट में मिलता हूँ, हेलमेट उतार लूं, दूसरे कैमरे पे शिफ्ट हो जाऊं। 2 सेकंड्स लेटर। तो ये देखो जी अपनी लगी बाइक यहाँ पे, हम आ गए डिटेलिंग माफिया पर, काफी जगह है यहाँ पे, बाइक अच्छे से पैम्पर हो जाएगी। अब ये देखो मैं आपको चीज दिखा देता हूँ, यहाँ देखो जैसे ये सारा गंद हो रखा है, चलो ये तो अच्छे से वॉशिंग होगी तो हट जाएगा, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो अभी इसकी शाइन कुछ इस तरह की आ रही है बिकॉज इस पे कोई भी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हो रखा। बाइक की कंडीशन अपनी अच्छी है लेकिन जो कोटिंग ये करेंगे, भैया कह रहे हैं कि उसके हिसाब से शाइन इतनी हो जाएगी कि आंखें बंद हो जाएंगी। मानते हो? करोगे ऐसा? हाँ हो जाएगा। ब्लिंडो क्वालिटी करके आती है जो लेबर कॉस्मेटिक का इटालियन ब्रांड है, उसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, हाई एंड। और हम ऐसे करने के वाले हैं, कौन सी कोटिंग करने वाले हैं? ग्लास कोटिंग। इस पर ग्लास कोटिंग करेंगे हम। तो ग्लास कोटिंग से मतलब मैं वही बता रहा था इनको कि स्क्रैच आते हैं लेकिन वो ऊपर लेयर पे रह जाते हैं, अगर हेयर लाइन है तो बाद में निकल भी जाते हैं, लेकिन प्रॉपर स्क्रैच होगा तो आते ही आते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ना सीरियसली फुद्दू बनाते हैं कि जी आप कोटिंग करा लो और स्क्रैच नहीं आएंगे, तो बड़ी गलत बात है। कोटिंग का मेन पर्पस ये होता है पेंट प्रोटेक्शन होगी, आपकी शाइनिंग ज्यादा अच्छी आएगी एंड हेयर लाइन स्क्रैचेस उसके ऊपर रह जाएंगे। आप जब भी वो कोटिंग दोबारा से उस पर काम करते हो तो वो निकल जाते हैं, दोबारा कोटिंग हो जाती है या तो उसके अच्छे से पॉलिश हो जाती है तो हट जाते हैं। तो यही मेन रहता है, कोटिंग का मेन पर्पस रहता है जो आपके सोल मार्क्स वगैरह ना वो नहीं आता, अगर कोई भी थोड़ा सा भी डीप स्क्रैच रहेगा जो पेंट तक पहुंचेगा वो स्क्रैच आएगा। प्योर प्रोटेक्शन जो मिलती है वो पीपीएफ से मिलती है, जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होती है। बट पीपीएफ हम इसमें नहीं कर सकते, हीट बहुत निकालती है, हीट बहुत निकालती है तो एजेस निकलने शुरू हो जाते हैं, शुरू होते हैं। जो कोटिंग है आराम से 1-2 साल आराम से निकाल जाती है, तो बाइक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट जो है वो कोटिंग ही है। कोटिंग ही है ना। तो जैसे कि भैया कह रहे हैं कि पीपीएफ वो एजेस वजेस हीट का पंगा है, यही सेम चीज मुझे अर्नी पहने भी गई थी। तो अपन कोटिंग तक ही स्टिक करते हैं बिकॉज हमें मेनली चाहिए बाइक की शाइन। मैं अपनी बाइक को इतना बुरे तरीके से हैंडल नहीं करता, मेरी बाइक काफी अच्छी जगह खड़ी रहती है, मैं हमेशा कवर रखता हूँ कि कोई स्क्रैच लगा दे कुछ ऐसा कर दे। हमें चाहिए कोटिंग ताकि बाइक चमचमाए, आपकी भी नजरें जो जाए जब हमें आपको कैमरे में बाइक दिखाऊं। अभी खड़ी है ये बाइक, इस पे काम होगा शुरू। मैं और तस्लीम यहां से निकलेंगे जिम जाने के लिए, हम जाएंगे अभी यहां से जिम, थोड़ा बहुत वर्कआउट मारेंगे तगड़ा सा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स करने हैं हमें, आर्म्स करने बहुत देर के बाद बिकॉज आपको पता है मैं पुशफुल लेग्स करता हूं हमेशा, लेकिन आज हम आर्म्स वर्कआउट करेंगे एंड फिर वहां से वापस आके मैं आपको बाइक एक बार फिर दिखाऊंगा जब वो पूरी तैयार हो जाएगी, फिर देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। 1 hour later. तो वो लग गई अपनी गाड़ी एंड यहाँ से ऊपर जाके है जिम। ये देखो कल्चर फिट जिम जहाँ पे मैं और तस्लीम वर्कआउट करने आते हैं। तस्लीम तुझे कैसा लगता है जिम? अच्छा लगता है ना। तस्लीम भी यहाँ वर्कआउट करता है एंड उसे भी इस जिम की वाइब काफी पसंद है, और सीरियसली वर्कआउट ना वाइब के साथ ही होता है। आप वर्कआउट जब अकेले करते हो पार्टनर के साथ करते हो, जिम की वाइब अच्छी ना हो ना तो लग जाती है। ये देखो यार तुम्हारा भाई बिना पंप के डोले, देखो भाई गए, ये देखो तस्लीम ने भी अपने डोले छुपाए हुए हैं। तस्लीम बढ़ गया
हम आगे अंदर यहाँ बैठे होते हैं साहिल भैया। साहिल भैया अच्छा अभी नहीं है, यूजुअली साहिल भैया बैठे होते हैं, जो इस जिम के ओनर है वो है नहीं अभी। ये इनका कार्डियो सेक्शन है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा वैसे, बट जो मेन चीज है जो इनका वेट ट्रेनिंग एरिया है वो जबरदस्त है। ये देखो इसका वेट ट्रेनिंग एरिया, मैं जो वाइब की बात कर रहा हूँ ना, अब यहाँ से देखो इसकी वाइब आपको यहाँ पता चलेगी। बहुत ही प्यारा जिम है ये, लाइट्स बहुत अच्छी हैं। आपको वीडियो बनाना हो, जैसे मैं डेडलिफ्ट वीडियो नॉर्मल बनाता हूँ, आज भी बनाऊंगा कुछ, तो आप देखो कितना सही लगता है ये, मजाक नहीं कर रहा था मैं। दिस जिम इज़ प्रीटी गुड एंड जम्मू के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा जिम है ये। एंड वो रहा तुम्हारा भाई, अभी पंप करते हैं आर्म्स अच्छे से। आज अपना आर्म वर्कआउट है यार, आप जल्दी क्यों आ गए, आज आपने मेरे साथ वर्कआउट नहीं करना था? आप इंसान अकेले अकेले बॉडी बनाओगे? देखो पोज मार के बैठ रहे हो। इतने जब इतनी बॉडी दिखानी होती है तो सैंडो वेंडो पहना करो, क्या रखा ऑब्सेशन कहते हैं इसे। पर नहीं भाई की बॉडी अच्छी बनाई हुई मैंने। आपकी एज क्या है? 24। देखो 24 साल में ये बॉडी, सीखो सीखो भाई से। मेरे से नहीं सीखना तो इनसे सीखो, मेरे से भी सीखो, मैं 31 को हो गया तब भी मेंटेन चल रहा हूँ। तो फिटनेस बहुत जरूरी है, बाइक के साथ साथ फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो जी हमारा वर्कआउट हो गया पूरा, लाइट अच्छी है, यहाँ लाइट अच्छी है, वर्कआउट बहुत जबरदस्त हुआ, हमने आर्म्स मारे, आपने देखा है। फिर मजे आ गए वर्कआउट करके, मजा आ गया यार बहुत। टी शर्ट बड़ी अच्छी बनी है, इस किस महान इंसान की टी शर्ट है। और अब जो पहले वो टेबल कुर्सी आपको दिखाई दी ना जहाँ पे कोई बैठता वो नहीं था, अब वो आ गया। ये देखो ये हमारे साहिल भैया, इनकी भोली शक्ल पे मत जाना, बहुत ही शैतान किस्म के इंसान है ये, बट ये बहुत ही अच्छे हैं। जिम कैसे चलता है इनसे सीख लेना, किसी ने जिम खोलना वो भी इनसे सीख लेना, बढ़िया है। इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है मेरे साथ, मेरे दोस्त है, मेरे बड़े भाई जैसे है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। बिकॉज मैंने आपको बताया है ऑप्शन बहुत होते हैं, बट ये जिम की जो वाइब है, एम्बियंस है, वो बहुत बेहतरीन है। इनका बिहेवियर, इनके स्टाफ का बिहेवियर, ट्रेनर्स का बिहेवियर बहुत ही प्यारा है, इसलिए मैं इस जिम में आता हूँ। एंड मैं फिर बोल रहा हूँ, जम्मू में अगर ऐसी वाइब आपको मिल रही है तो बहुत ही अच्छी चीज है, बिकॉज मुझे आज तक इस जिम से पहले वो वाइब कभी नहीं मिली जम्मू से। बाहर बहुत सारे अच्छे अच्छे जिम में जाता था, पुणे, मुंबई, दिल्ली, कहां कहां, एंड फाइनली जम्मू में मेरे पास एक ऑप्शन है। जब भी मैं यहाँ पहले आया करता था मुझे लगता था बड़े के खप्पे, अब वर्कआउट अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब वर्कआउट अच्छा होता है। आप तस्लीम से पूछ सकते हैं, तस्लीम गाजियाबाद से, एंड इसको भी मजे आते हैं यहाँ वर्कआउट करके। मैं सही कह रहा हूँ? मजे आते हैं, बिल्कुल मजे आते हैं, कितने मजे आते हैं, देखो देखो देखो। तो थैंक यू साहिल भैया, ऐसा एनवायरनमेंट हमें देने के लिए जम्मू में, आप जियो हजारों साल। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं डिटेलिंग माफिया में, वहाँ देखते हैं बाइक का क्या हाल है। मुझे फोन आ गया कि बाइक बस रेडी हो गई है, तो फटाफट आ जाओ। 20 मिनट्स लेटर। तो जी मैं आ गया हूँ वापस डिटेलिंग माफिया पे, एंड अपनी बाइक हो गई है रेडी, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था। अब अंदर चलते और अंदर जाके देखते हैं अपनी बाइक कैसी लग रही है। तो बाइक पीछे स्टार्ट करी है, बाइक लग रही है बहुत जबरदस्त। तो क्या आपको मैं दिखा दूं बाइक? ये देखो इनके पीछे बाइक खड़ी है, थोड़ी सी दिख रही होगी, चलो पूरी दिखा देते हैं। इसलिए बढ़ना, ये देखो ये खड़ी है अपनी बाइक, एंड इसका काम हो गया है, इस पर हुई है ग्लास कोटिंग। ये देखो चमक, देखो शाइन, देख रहे हो? इसमें ना हल्की से स्क्रैच भी थे एंड वो पूरे हट गए हैं, जबरदस्त प्यारे तरीके से इन्होंने इस पे काम किया है, कितनी सुंदर लग रही है। देखो एक बार, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। आपको तो इसके सिनेमेटिक शॉट दिखाने बनते हैं, तो अब देखो इसके सिनेमेटिक शॉट में ट्राई करता हूँ, अच्छे से अच्छे ले लूँ सिनेमेटिक शॉट, देखो फिर आपसे मिलता हूँ। बनता है इसकी आवाज
सो आई होप आपको सिनेमेटिक शॉट्स बहुत पसंद आए होंगे, बाइक की आवाज बहुत पसंद आई होगी। अब टाइम आ गया यहाँ से निकलने का और घर जाने का। लेकिन जो भी जम्मू में रहने वाले हैं उनके लिए अब एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, अगर बाइक को पैम्पर करना है, बाइक का पेंट प्रोटेक्ट करना है, उसकी लाइफ और बढ़ानी है, यू कैन विजिट डिटेलिंग माफिया जो है अपना ग्रेटर कैलाश के बिल्कुल पास ही। तो आप यहाँ पे कभी भी आगे विजिट कर सकते हैं और आपको सेटिस्फाई करके ही यहाँ से भेजा जाएगा, आपकी जो बाइक है या गाड़ी है उसको अच्छे से पैम्पर किया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं और फटाफट चलते हैं घर और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मैं आ गया अपने GoPro पे और ये खड़ी है बाइक, चमक रही है बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं इस पे बैठूंगा और यहाँ से निकलेंगे, भैया एक दो शॉट्स और ले लेंगे और वो भी मुझे देंगे, बिकॉज मुझे एक अच्छी सी रील बनानी है इसकी। इसको फटाफट अब निकालते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं घर। एंड ये कर लिया अपन ने बाइक स्टार्ट। चलो जी अब चलते हैं, बाइक तो चमक गई है अपनी पूरी, अब निकलते हैं और चलते हैं फटाफट से घर। रात को हमें डिनर पे भी जाना है, तो आज का दिन रहा बहुत ही प्रोडक्टिव, बाइक कमाल की हो गई, वर्कआउट अच्छे से लगा लिया, साहिल भैया से मिल लिए। एंड एक चीज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं डिटेलिंग माफिया में गया तो वहां पे रोहन भैया थे, उन्होंने जब बाइक देखी, उन्होंने पहली बार आज मेरी बाइक देखी और वो कहते कि बाइक इतनी अच्छी कंडीशन में है, कहते इसका जो पेंट है, बाइक की सरफेस फिनिश अभी दिख रही है, कहते बहुत ही अच्छी है, बहुत मेंटेन करके रखी है, पेंट काफी बचा हुआ है। बचेगा क्यों, मैं धूप में नहीं खड़ी करता, जब नीचे भी खड़ी करता हूँ बेसमेंट में तो इसके ऊपर कपड़ा डाल के रखता हूँ। तो अपन पूरी केयर करते हैं बाइक की। हो गया मैं रेडी। देखो मैंने आपको बताया था कि रात को डिनर पे जाना, तो उसके लिए मैं रेडी हो गया हूँ। कैसा लग रहा हूँ? आई होप अच्छा ही लग रहा होगा। डिनर की फुल तैयारी है, सब घर से निकल गए हैं एंड मैंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि मैं बाइक पे जाऊंगा डिनर करने के लिए एंड आरोही को भी पीछे बिठाऊंगा। बट आरोही के घर की एक गाड़ी यहाँ पे थी, वो ड्रॉप कर रही है अपने घर पे, आरोही को पिक कर लूंगा मैं उसके घर से एंड वहां से हम सीधा चले जाएंगे आगे अनुथम, जहां हम डिनर करने जा रहे हैं। अनुथम एक बहुत ही प्यारी जगह है डिनर करने के लिए, अगर आप जम्मू आते हैं तो यू कैन विजिट अनुथम। मेक श्योर कि आप उसके रूफ टॉप पे बैठे, उसके रूफ टॉप काफी अच्छी वाइब देता है एंड यस वो जम्मू में बहुत ही अच्छी जगह है चिल मारने के लिए। एंड ये देखो, ये है मैक्सिमस जिसको हमने बांध के रखा है। एंड इसको बांध के क्यों रखा है? बिकॉज घर में गेस्ट आए हैं, ये उनको तंग करता है, परेशान करता है, शैतान बच्चा है। देखो डायना खुली है, कैसे सो रही है, लंबी पड़ी हुई है, लेकिन इसको बांध के रखना पड़ता है बिकॉज ये बहुत शैतान है, क्योंकि अली घर पे आया हुआ है। हेलो अली काजमी, कैसा है मेरा भाई? अली मेरा जम्मू का दोस्त है, आपने इसे कभी नहीं देखा होगा बिकॉज ये जम्मू में ही रहता है। ये मेरा बचपन का जम्मू का दोस्त है, हम साथ में साइकिल चलाया करते थे, फिर हम साथ में पल्सर चलाया करते थे, अब मैंने हायाबुसा ले लिया, अली जल्दी से हायाबुसा लेगा, हम साथ में हायाबुसा चलाया करेंगे। क्या कहता है? अली के पास असली बुलेट है, बुलेट है, बुलेट। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया। अब मुझे यहाँ से निकलना है एंड रात की पार्टी के लिए जाना है, कल मॉर्निंग में हमें निकलना है वापस गुड़गांव के लिए। तो अगला ब्लॉग होगा गुड़गांव वापसी का। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ये ब्लॉग लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेरी कल की जो वापसी यात्रा है वो देखने को मिले। एंड आपसे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।